here's the good news for all the students. I don't know whether it's a good news, great news, or how to react on that. But ACC has got a tie-up done with most of the universities of India, जहां पर बच्चा अपने फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन के बेसिस पे ACCA के 5 पेपर से एग्जेम्पशन ले सकता है. इसका मतलब 13 में से उसको सिर्फ 8 पेपर्स देने होंगे, एज गुड एज IPCC के लेवल पे जो बच्चे को एग्जेम्पशन मिलते हैं. बट इसमें आपका पहले 3 पेपर नॉलेज लेवल के, लॉ का पेपर और टैक्स का पेपर एग्जेम्प्ट होगा. सो नाउ द वे ऑफ लुकिंग एट इट इज, फर्स्ट थिंग, अगर कोई बच्चा बहुत स्पीड में जाना चाहता है तो वो 12th के इमीडिएटली बात, या बिना 12th का वेट किए वो अपने पेपर स्टार्ट कर सकता है और जल्दी जल्दी प्लान कर सकता है. सो बाय द टाइम वो फर्स्ट ईयर में आएगा, अगर उसका स्किल लेवल कंप्लीट हो जाता है, तो ही इज वेस्टिंग हिज टाइम बाय वेटिंग फॉर द फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन. लेकिन अगर वो ऑलरेडी फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन में है, तो वाइज इनफ ये है कि फर्स्ट ईयर की मार्कशीट आ जाए, फिर वो एग्जेम्पशन लेकर सीधा नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाए. अगर आप सेकेंड लेवल से स्टार्ट करते हो तो ऑब्वियसली आपको डिप्लोमा इन अकाउंट्स एंड बिजनेस नहीं मिलेगा, क्योंकि वो लेवल 1 करने के बाद ही मिलता है. तो एक वो डिसएडवांटेज हो जाता है स्कीम में. दूसरा डिसएडवांटेज हो जाता है कि आप टैक्स पढ़ोगे ही नहीं. ऐसा कौन सा चार्टर्ड अकाउंटेंट हम इमेजिन कर सकते हैं जो बिना टैक्स के CA बनेगा? ऑब्वियसली अगर आपने टैक्स नहीं पढ़ा तो आप ATX भी नहीं लोगे ऑप्शनल सब्जेक्ट में. सो वहां पे थोड़ा सा डिसएडवांटेज हो जाएगा, बिकॉज इंटरनेशनल टैक्स प्रैक्टिस में काफी अच्छा मनी है. प्लस द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज बेस क्लियर नहीं होगा. अगर आपका बेस क्लियर नहीं है, आई सजेस्ट कि आप लेवल 1 से जाइए. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टैक्ट अस एट PFC Education.